आज की इस वीडियो में हम आपको ब्रह्मपुर में चल रही घुड़दौड़ प्रतियोगिता में प्रतिभागी बनने के लिए जो तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है उसकी वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। घोड़ा बक्सर बिहार का है और इस घोड़े के ओनर मिस्टर अजय सिंह साथ बक्सर बिहार से हैं और इस घोड़े पे घुड़सवारी सवार रिजवान कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं तो इनके दो घोड़े इस दंगल में उतरने के लिए तैयार हैं। पहले घोड़े का नाम बाहुबली है, जिस घोड़े को आप देख रहे हैं, और ये घोड़ा चाल में सिंधी चलता है। पिछली रेस जो बारे गाजीपुर में हुई थी उसमें घोड़े का काफी शानदार प्रदर्शन रहा और उसी के अनुरूप दिन प्रतिदिन फील्ड पर ये चीजें दिखती हुई सभी को दिख रही हैं। जिस प्रकार से रिजवान इस घोड़े पे घुड़सवारी कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन जैसे ढलते जा रहा है सवार रिजवान और घोड़े का तालमेल बढ़ता ही नजर आ रहा है। ये केवल मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, फील्ड पर काफी सारे लोगों में चर्चाएं ये जरूर हैं कि इस बार इस घोड़े की रफ्तार और सवार रिजवान की पकड़ काफी अच्छी है और सभी लोगों को ये उम्मीद जरूर है कि घोड़े का बेहतर प्रदर्शन इस बार प्रतियोगिता में होना चाहिए। जीतना और प्रतियोगिता में प्रथम आना वो एक अलग की चीज है, खेल दूसरी तरह से होता है और खेल कब किसके हाथ में जाएगा, बाजी किसकी अधिक मजबूत बनती है, ये तो खेल और वक्त ही बता पाएगा। पर आप सवार रिजवान की जो तैयारी देख रहे हैं उससे आपको क्या लगता है? ये पहले दिन शिवरात्रि के दिन की आज आप वीडियो देख रहे हैं, काफी लंबे वक्त के बाद आपको वीडियो देखने के लिए मिल रही है। एक बार फिर से सवार रिजवान को आप इस पर देख रहे हैं, उस छोर से इस घोड़े को छोड़े हैं और चक्र दर चक्र घोड़ा बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है और घोड़े की रफ्तार भी काफी अच्छी इस फील्ड पर है। कहते हैं कि ब्रह्मपुर की धरती पर एक या दो पॉइंट तो घोड़े यूं ही तेज चल जाते हैं और वही चीजें अन्य घोड़ों में भी देखने के लिए मिलती है। और यही नहीं कि और घोड़े नहीं है, काफी सारे घोड़े हैं जिनकी वीडियो अभी आगे आने वाली है जो दंगल में बेहतरीन फाइट करते हुए नजर आएंगे। मुझे आप जरूर बता सकते हैं कि सवार रिजवान अहमद के हाथों में ये घोड़ा कितना सेट है, क्या कुछ आपको लगता है? दूसरा, इनका जो घोड़ा काला है इस घोड़े पे घुड़सवारी सवार विकास यादव के द्वारा की जा रही है। ये घोड़ा चौताला चलता है, कई सारी चेतक प्रतियोगिताओं में लगातार इस पे प्रयास चल रहा है और अभी घोड़ा धीरे धीरे सेट हो रहा है। उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में घोड़ा अच्छा बन जाए और बेहतर प्रदर्शन करने लगे। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि सवार विकास के हाथों में कभी कभी थोड़ी सी उलझन में घोड़ा रहता है पर फिर उसको सुधारते हुए सवार अपने इशारों पर उस घोड़े को लेता है और चक्र दर चक्र घोड़े को कुछ अच्छा करके दिखाने के लिए प्रयास करता है। तो इस घोड़े की भी पैरबाजी काफी शानदार है। सवार विकास को आप देख रहे हैं जो लगातार इस घोड़े पे घुड़सवारी कर रहे हैं और हर चेतक प्रतियोगिताओं में, जैसे एक या दो चेतक प्रतियोगिताओं में अभी घोड़ा प्रतिभागी बना था, वैसे ही ब्रह्मपुर की धरती पर भी उतरा है और यहाँ भी आप इस घोड़े की तैयारी देख रहे हैं। ब्रह्मपुर की जो रेस है वो 13 मार्च को रखी गई है, फाइनल की रेस उसी दिन होगी। हम आपको बता दें कि पहली बार इस फील्ड पर घोड़ी, दो दांत, नाकंद और बड़े घोड़ों का दंगल होने जा रहा है। तो आप भी नजदीक से हैं, पहुंचना चाहते हैं, घुड़दौड़ प्रतियोगिता लाइव देखना चाहते हैं तो ब्रह्मपुर बक्सर बिहार में 13 तारीख को 10 बजे के पहले पहुंचे और भरपूर लुफ्त उठाएं। आपको अजय सिंह साथ बक्सर बिहार के घोड़ों की तैयारी कैसी लग रही है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। सवार रिजवान की, सवार विकास की और तमाम सारे आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है फील्डों में और उनके बीच घोड़ों की तैयारियां जोरों शोरों पर चलती हैं। दिन प्रतिदिन लोग अपने घोड़ों को यूं ही वार्म अप करके और तैयार कराते हैं। टेंट के अंदर कितनी मेहनत होती है अगर आप घूमेंगे, चीजों को देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा।